अंदर सिसोदिया से सीबीआई के सवाल, बाहर आपका बवाल, हिरासत में कई आप नेता। दिल्ली के एक और जहां आम आदमी पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले मामले में सीबीआई एक बार फिर पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के समर्थक और विधायक इसके विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। आप नेताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सीबीआई मुख्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और वहां धारा 144 लागू कर दी गई। इस दौरान कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। मनीष सिसोदिया ने इससे पहले आशंका जताई थी कि सीबीआई आज उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। सिसोदिया पर सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर राघव चड्ढा ने कहा कि इससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से डरती है। पहली चीज तो आज की जो सीबीआई की कार्रवाई है कि ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से। प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी राहुल गांधी से नहीं डरते, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से डरते। और मकसद एक ही है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बर्बाद करो, अरविंद केजरीवाल को कमजोर करो। और उसी श्रृंखला में आज एक फर्जी झूठे मनगढ़ंत केस में मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रही है केंद्र की एजेंसियां, क्योंकि तुगलकी फरमान भाजपा के आका ने दिया है, केंद्र सरकार के आका ने दिया है कि मनीष सिसोदिया को जेल में डालो। इनका ये क्या आरोप लगाते हैं? ये आरोप लगाते हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। पहले तो मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, 10,000 करोड़ में जीरो कितने आते हैं, क्या आपको इस बात का एहसास है, ये पता है? आपको बता दें कि सीबीआई सिसोदिया से शराब घोटाला मामले में दूसरे दौर की पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने इससे पहले सिसोदिया को पिछले रविवार को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने बजट का हवाला देते हुए सीबीआई से समय मांगा था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को पेश होने को कहा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया को।